तब तो जानता है पीने के बाद मरता है तो भाई बंद किए हैं तो चालू कहाँ से हो रहा है शासन आपका है प्रशासन आपका है कहाँ से दारू मिल रहा है अभी मिल रहा है तब तो ना मर रहा है लोग है नहीं मिलता था कहाँ से मरता आदमी भी नहीं कर नहीं मरता जहरीली शराब आया तो क्यों आया कहाँ से आया कैसे आया उसको मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए इस प्रदेश में क्यों आया अरे उपलब्ध क्यों हो रहा है येगा तो मरेगा ठीक है लेकिन शराब बन क्यों रहा है उसको तो रोकना चाहिए ना ये जो है सो शराब आ रहा है कहाँ से आ रहा है अगर ईद आवदेही नीतीश कुमार का है बनता है तब न आता है तब ना कोई पी लेता है और तो गरीब के लिए पचास रुपये वाला बोतल जो होता है उसको दे अब एक गिलास जो है सो तो झमरुआ पीता है पचास रुपया में तो इंग्लिश पिएगा पचास गुना सौ यहाँ टंच हो जाएगा शराब पीजिएगा तो मरबे करिएगा नीतीश कुमार कह रहे थे तो, तो मरेगा आदमी नहीं नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज अभिषेक है, है। छपरा में जहरीली शराब से सत्तर से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा जो पिएगा वो मरेगा ही पियोगे तो मरोगे ही ऐसे में इसको लेकर लोगों की क्या राय है लोग क्या कुछ कह रहे हैं लोगों से बातचीत करते हैं अच्छा क्या कहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को लेकर जो पिएगा जो पिएगा वो मरेगा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट दिया ये तो हर मदिरा के बोतल पर लिखा रहता है कि मदिरा पान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो माननीय मुख्यमंत्री प्रवचन दे रहे थे कि ऐज ए मुख्यमंत्री बोल रहे थे अगर ऐज ए मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो उनका ये वक्तव्य उचित नहीं था कहीं से भी उचित नहीं है चूँकि उनको वो सरकार में है और जनता के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री हैं उनको अपनी जवाबदेही समझनी चाहिए कि जहरीली शराबबंदी बिहार में शराबबंदी है और जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं तो उसके कारणों को पकड़ना चाहिए उसमें दोषियों को सजा देना चाहिए इस टाइप का वक्तव्य देना कि पियोगे तो मरोगे पियोगे तो मरोगे सब लोग जानता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है अभी प्रवचन नहीं नहीं कर रहे हैं ना वो प्रवचन दे रहे हैं प्रवचन नहीं देना चाहिए उनको मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जवाबदेही लेनी चाहिए जी शराबबंदी तो सफल है कि नहीं जहाँ तक तो अगर देखा जाए तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि शराब उपलब्ध हो रहा है और माफिया तंत्र पैदा हो गया राजस्व का घाटा स्टेट को हो रहा है और मुख्यमंत्री जी जिस उद्देश्य से शराबबंदी किए जो उनका एक उद्देश्य था जो गरीबों के आय आय जो होता है जो रोज़ कमाते हैं और दारू शराब में खर्च कर देते हैं वो तो आ, क्या कहते हैं वो तो लोग का आदा छूटा नहीं आज छोटा नहीं ताड़ी क्या कहते हैं जो गरीब ताड़ी पीता था अब उसको जो दस रुपये बोतल मिलता था वो पचास रुपये बोतल मिल रहा है तो उसको महंगा तो आते तो उसकी रह गई और तो तो उस मिल रही है मिल रही है दूसरी चीज और ज, आ, क्या कहते हैं उसके कारण हुआ कि आज देखिए मौतों की समीक्षा कीजिए पूरे बिहार में जब से शराबबंदी हुई जहरीली शराब के से कितने मौत हो चुके हैं अभी समीक्षा होनी चाहिए समीक्षा होनी चाहिए निश्चित रूप से समीक्षा होनी चाहिए अच्छा क्या कहेंगे शराबबंदी सफल है नहीं नहीं शराबब बंदी सफल तो नहीं है अच्छा नीतीश कुमार कह रहे हैं जो पिएगा मरेगा ही क्या किस रूप में वो बोलते हैं पिएगा मरेगा वो राज्य के हमारे प्रधान हुए मुख्यमंत्री हैं और पूरा राज्य उनके ऊपर डिपेंड करता है जनता ने उनको चुनका बनाया है तो जब जहरीली शराब आया तो क्यों आया कहाँ से आया कैसे आया वो तो मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि इस प्रदेश में क्यों आया कहाँ से आए कह रहे हैं सब सब पियोगे तो मरोगे हाँ पियोगे तो, तो मरोगे तो ये तो उनकी जवाबदेही है जो जनता क्या करेगी माफिया ग्रुप से मिल जाता है अगर मान लिया जो महंगे महंगे में मिल गया तो मिल तो गया और तो पी लेता है तो इसलिए तो जनता ही मर रहा है उनको जवाबदेही जवाबदेही तो उन्हीं की है न सरकार की जवाबदेही क्या कहेंगे नीतीश कुमार कह रहे हैं शराब पियेगा तो अरे उपलब्ध क्यों हो रहा है पिएगा तो मरेगा ठीक है लेकिन शराब बन क्यों रहा है उसको तो रोकना चाहिए ना वो मुख्यमंत्री है बात आता कहां से? वो क्यों आ रहा है काहे से बन रहा है काहे का जवाबदेही है? है सारे पुलिस फोर्स मिले हुए हैं सब लोग बिक रहा है सब लोग पहुंचा रहे हैं है। जहां चाहता है वहां पहुंच रहा है शराब बंदी क्या है क्या ये जो है शराब आ रहा है कहां से आ रहा है अगर ये जवाबदेही नीतीश कुमार का ना बनता है तब न आता है तब न कोई पी लेता है अगर ये बंद रहता है तो बंद तो नहीं मतलब बिहार में शराब बंदी कहते है हल्ला करते हैं है। शराब आती है कहाँ से है बिना लोग कहाँ से मरता कैसे है क्या कहेंगे नीतीश कुमार कह रहे हैं शराब पीजिएगा तो मरवे करिएगा अरे आता ही है पीता ही है लोग गलत है गलत है नीतीश कुमार जो कह रहे हैं तो मरिएगा गलत है गलत है गलत। क्या करना चाहिए तो फिर कर देना चाहिए चालू कर देना चाहिए क्या कहेंगे तो मरिएगा उनको हाँ, नहीं बोलना चाहिए तो तो उनकी जवाबदेही है मुआवजा भी देना चाहिए मराहे नहीं वो ये गलत है टोटल गलत है ये एकदम गलत है गलत है अब क्या कहेंगे शराब पीजिएगा तो मरबे करिएगा नीतीश कुमार कह रहे हैं मुख्यमंत्री तो कह तो दो नंबर शराब देश में सप्लाई करवाएंगे तो मरेगा आदमी नहीं अगले बार करेंगे एक नंबर शराब चालू करेंगे और जिला लेवल पर रखे वो कंपोजिट नहीं खुलवावे और गरीब के लिए पचास रुपया वाला बोतल जो होता है उसको दे अब एक गिलास जो है सो झमरुआ पीता है पचास रुपया में तो इंग्लिश पिएगा पचास दूना सौ यहाँ टंच हो जाएगा तो आएगा तो लोग पीवे करेगा मरबे करेगा अभी मिल रहा है तब ना मर रहा है लोग नहीं मिलता से मरता आदमी पीबे नहीं कर नहीं मरता क्या करना चाहिए हाँ क्या करना चाहिए? उसके लिए आप सवाल है कि ये आखरी एक रुपये की चीज दस रुपये में पीता है मर रहा है तीन नंबर सामान पी करके इस चालू रहता तो ऐसा नहीं होता घटना क्या कहेंगे नीतीश कुमार कह रहे हैं शराब पीजिएगा तो मरवे ना करिएगा बिहार के मुखिया होने के नाते वो ये एक मतलब असंवेदनशील बयान होता है ठीक है आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं और किसी के मौत पे पर और संवेदनहीनता उनकी मतलब ये प्रकट हो रही है शराब आता कहाँ है उसके 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 जड़ पे जाना चाहिए आखिर आपका तंत्र फेलियोर है ना बॉर्डर से शराब हरियाणा से बंगाल से या दूसरे प्रदेश से जो आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका तंत्र फेल है और किसी के मौत पे आप संवेदना प्रकट नहीं कर सकते हैं तो इस तरीके का बयानबाजी नहीं करना चाहिएगा जो पिएगा तो मरेगा ही और सबसे बड़ी बात है जो आप की स्ट्रेजरी क्या है सर आप पे आप क्या चाहते हैं लोगों के मौत पे इस तरीके का बयान देना ये आपका जो प्लानिंग था शराबबंदी का वो कहीं ना कहीं फेल है आपका तंत्र फेल है सारा का सारा सा, मतलब सत्ता के जितने भी मंत्री हैं वो सब शराब माफिया हो गए हुए हैं सारे के सारे लोग मतलब सदन में बयान आता है विधानसभा के अंदर में मंत्री लोगों का बयान आता है मंत्री लोग शराब के धंधे में पाए जाते हैं तो राजस्व का हानि हुआ है और जितना शराब से बिहार को राजस्व मिलता था उसके समकक्ष एक नया राजस्व नेताओं के बीच में खड़ा हो गया है ये सारा का सारा ब्लैक मनी नेताओं के पॉकेट में जा रहा है हम तो समझते हैं कि इसमें एक समीक्षा मुख्यमंत्री को करनी चाहिए कि शराबबंदी होने के बाद 16 से दो दो हज़ार सोलह से शराबबंदी है तो इससे बिहार को लॉस क्या हुआ फायदा क्या हुआ अगर शराबबंदी से फायदा है तो कंटिन्यू करें क्या कहेंगे दुर्भाग्यपूर्ण बयान है उनका जिस तरीके से वो कह रहे हैं पीजिएगा है तो भाई मरिएगा वो तो, तो सब जानता है पीने के बाद मरता है तो भाई बंद किए हैं तो चालू कहाँ से हो रहा है शासन आपका है प्रशासन आपका है कहाँ से दारू मिल रहा है अभिमान हो गया अहंकारी सत्ता आ गया हुआ है तो आपने सुना कि लोगों की क्या राय है मुजफ्फरपुर के लोग इसको लेकर सीएम नीतीश के बयान को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं उन्होंने साफ साफ कहा व्यवस्था के संचालक आप हैं व्यवस्था आप चला रहे हैं मुख्यमंत्री हैं आप प्रधान है आपकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे में आप अपने तंत्र को दुरुस्त करें नहीं तो खोल दें तो अपनी अपने लोगों की राय है लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है वहीं सिस्टम को फेल बताया है कि बिहार में शराबबंदी का जो सिस्टम है वो फेल है बिहार में खुलेआम शराब मिलती है लोगों के घर घर होम डिलीवरी भी होती है ऐसे में सवाल उठाए हैं लोगों ने सीएम नीतीश कुमार के बयान को लेकर तो देखने वाली बात होगी आइए क्या कुछ होता है फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ